जय हिंद दोस्तों। विगत कुछ दिनों में मेरे व्हाट्सएप पर और मेरे पर्सनल इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे छात्रों का। कोई छात्र ये लिख रहा था कि सर, मैं 9 से 10 में जा रहा हूँ और मेरा विद्यालय अभी तक बंद है, तो मैं आगे की तैयारी कैसे करूँ। बहुत सारे छात्र ये मैसेज कर रहे थे, मैं 11 से 12 में जा रहा हूँ और मेरा विद्यालय बंद है, तो मैं अब कैसे क्या करूँ। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बातों को लिख रहे थे, तो सबसे पहले तो मैं उन छात्रों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया किसी प्रकार का डिप्रेशन महसूस ना करें, ठीक है। आराम से आप जिस भी क्लास में हैं उसकी तैयारी करें। ये तो एक बात हुआ, एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये है कि उन छात्रों का ये अनुरोध था, वो ये जानना चाह रहे थे कि हमारा विद्यालय जो नवोदय है वो कब खुलेगा। तो दरअसल जो नवोदय की स्थिति है वो ये है कि कोरोना काल जब से हुआ है लगभग 1 साल से विद्यालय लगभग बंद है। हाँ, बीच में 9, 10 और 12 क्लास के छात्रों के लिए नवोदय को खोला गया था, लेकिन हुआ ये है कि अब 1 अप्रैल आज से शुरू हो रहा है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो एक बैच जो 9 में था वो अब 10 में आ चुका है और जो बैच 11 में था वो बैच अब 12 में आ चुका है आज से। तो वो बैच के छात्र जो है, उस बैच के जो छात्र हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अब हमारी आगे की तैयारी कैसे होगी, क्या हमारा फिजिकल क्लासरूम खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो दोस्तों, ये एक समस्या है जिस पर कि आज बात मैं करने जा रहा हूँ। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि कोरोना काल के कारण पूरे विद्यालय को बंद किया गया था और कोरोना चूंकि जब पीक स्टेज पर थी तब ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई थी, आप लोगों को पता है। और चूंकि जब कोरोना बहुत पीक पर था तो ये मजबूरी थी कि ऑनलाइन क्लास किया जा सकता है और किया गया और पूरे देश में इसको सराहा गया, लोगों ने किया। लेकिन जब समय बीता तो लोगों को ये समझ में आया कि लॉट्स ऑफ जो प्रॉब्लम है वो इसमें आपको दिखने लगा। ऑनलाइन क्लास में बहुत तरह की समस्याएं सामने आने लगी। समस्या ये आने लगी कि 80 के बैच में अगर एक स्टूडेंट के पास कोई पर्सनल समस्या होता था तो वो शिक्षक से नहीं पूछ पाते हैं ऑनलाइन क्लास के दरमियान में। ज़्यादा शोर होने लगता है, कोऑर्डिनेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच में बेहतर नहीं बैठ पाता है। तो इस प्रकार की तमाम समस्याएं आती थी, ठीक है। टेस्ट से संबंधित, एग्जाम से संबंधित समस्याएं आने लगी और बहुत तरह की समस्या छात्रों और शिक्षकों दोनों के द्वारा यहाँ पर महसूस किया गया। छात्रों के द्वारा तो महसूस किया ही गया और शिक्षकों के को भी बहुत सारे तरीके की समस्याएं हुई ऑनलाइन क्लास को लेने में। अब जो छात्र 10 में पहुंच गए हैं वो सोच रहे हैं कि ये हमारा बोर्ड है, जो 12 में पहुंच गया उनको लग रहा है कि अब मेरा सीबीएसई का एग्जाम है, तो इसको लेके वो बहुत ज्यादा तनाव में है कि अब हम आगे की तैयारी कैसे करें। तो इस जगह से जब ऑनलाइन क्लास में इतनी खामियां नजर आई तो लोगों को लगा कि अब स्कूल को जो है फिजिकल तौर पर खोल देना चाहिए, ठीक है। और मेरा भी मत ये है कि स्कूल को फिजिकल तौर पर अब खोल देना चाहिए। तो मेरा अनुरोध होगा समिति से कि वो इस पर एक सर्वे कंडक्ट करा ले, चूंकि देश में बहुत सारे नवोदय विद्यालय हैं। कुछ ऐसे इलाके में जहां पर कोरोना अब भी एक्टिव है, लेकिन बहुत ऐसे इलाके में भी नवोदय विद्यालय जहां पर कि कोरोना एकदम न्यूनतम स्तर पर है या शून्य हो चुका है। तो जहां पर कोरोना एकदम खत्म हो चुका है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम प्रिकॉशन के साथ नवोदय विद्यालय खोला जा सकता है। और समिति में बैठे लोगों से ये अनुरोध होगा कि आप इस विषय पर विचार करें, आप एक सर्वे कंडक्ट कराएं, आप लोकल प्रिंसिपल, लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इस पर बात करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो नवोदय के चेयरमैन होते हैं। तो आप उनसे बात करें और बात करने के बाद किस तरीके से फिजिकल क्लास को स्टार्ट किया जा सकता है इस पर विचार करें। कम से कम 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लास को फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने का जो प्रस्ताव है उस पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कि छात्रों का तनाव दूर हो सके, शिक्षकों को जो एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है ऑनलाइन क्लास के दरमियान उससे उन्हें भी थोड़ा सा आराम मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वो छात्रों पर समय दे सके। और छात्र से मैं फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि आप किसी प्रकार का कोई तनाव महसूस ना करें, आप जहाँ भी हैं जिस भी स्थिति में हैं कोशिश करें, पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।